तो आज हम ऐसे ही रोचक तथ्य के बारे में जानने वाले हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में, जो कीबोर्ड के बटन जो होते हैं वो ABCD के क्रम में क्यों नहीं होते, या इसका कोई कारण है या गलती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आज हम जिस कीबोर्ड लेआउट का इस्तेमाल करते हैं उसे क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं। क्वर्टी कीबोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ऊपर वाली पंक्ति के पहले छह अक्षरों QWERT और Y से मिला है, इसीलिए इसको क्वर्टी कीबोर्ड कहते हैं। क्वर्टी लेआउट को मूल रूप से टाइपराइटरों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर भी इसे अपनाया गया। आज एक अंग्रेजी का मानक कीबोर्ड लेआउट है। इसके पीछे की कहानी है, क्वर्टी लेआउट का आविष्कार करने वाले क्रिस्टोफर सोल्स थे। यह दुनिया का पहला आधुनिक टाइपराइटर था। उन्होंने जो पहला टाइपराइटर बनाया था उसमें अक्षरों को बड़ा अनुक्रम मतलब ए से जेड के क्रम में ही रखा था। हालांकि जब लोगों ने तेजी से टाइप करना सीख लिया तो टाइपराइटर में अक्षरों से जुड़ी छड़ें एक दूसरे में फंस जाती थी। इससे यह होता था कि टाइप करने वाले को टाइपिंग रोककर उन अटकी छड़ों को हाथों से ठीक करना पड़ता था। इसलिए अपने कारोबारी सहयोगी के सुझाव पर सोल्स ने बटनों को इधर उधर बांट दिया, जिससे टाइपिंग की गति कम हो जाए और टाइपराइटर की छड़ें आपस में फंसे नहीं। रोचक तथ्य तो ये है कि टाइपराइटरों में पहले जीरो और एक संख्याओं के बटन नहीं होते थे। इनकी जगह अंग्रेजी के जो वर्ड हैं आई और ओ का प्रयोग किया जाता था। सोल्स ने क्वर्टी लेआउट को 1870 के दशक की शुरुआत में तैयार कर लिया था, हालांकि समय समय पर भी अब उसमें सुधार करते रहे। सन 1873 में सोल्स ने क्वर्टी के सभी अधिकार टाइपराइटर बनाने वाली एक कंपनी ई रेमिंगटन एंड सन्स को बेच दिया। बाद में रेमिंगटन ने टाइपराइटर के लेआउट में कुछ बदलाव भी किए। 1878 में पेश किए गए रेमिंगटन नंबर 2 टाइपराइटर की सफलता की बदौलत क्वर्टी लेआउट लोकप्रिय हो गया और आज तक चलन में है। इसमें कोई शक नहीं कि आज के समय में क्वर्टी कीबोर्ड लोगों का डिफॉल्ट कीबोर्ड लेआउट है। इसी कारण कुछ ऐसे लेआउट जो क्वर्टी कीबोर्ड से बेहतर हैं और काफ़ी शोध करके बनाए भी गए हैं, परंतु मुख्य धारा में नहीं आ सके। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। आगे की वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।